स्पेस में कैसे बीत रहा है सुनीता विलियम्स का दिन? सुनीता ने बताया, जब स्टार लाइनर उन्हें स्पेस में छोड़ आया तब क्या हुआ। सुनीता कर रही है धरती को याद, माँ को याद कर बोली, हमें नहीं पता था रहना पड़ जाएगा स्पेस में एक साल। बूच भी बेटी को कर रहे हैं याद, स्पेस में कैसे चल रहा है जीवन। सुनीता और बूच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया अपना हाल। सुनीता और बूच देंगे धरती से 400 किलोमीटर दूर बैठकर अमेरिकी चुनाव में वोट। सुनीता विलियम्स और विल्मोर बूच नासा के एक प्रोजेक्ट के तहत स्पेस गए और वहीं फंस गए। उन्हें स्पेस तक पहुंचने वाला बोइंग विमान स्टार लाइनर वापस धरती लौट आया है। स्पेस क्राफ्ट में खराबी के बाद बूच और सुनीता पिछले कई माह से स्पेस स्टेशन में फंसे हैं। सुनीता विलियम्स और विल्मोर इस साल तक पृथ्वी पर नहीं लौट पाएंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी स्पेसएक्स क्रू 9 अंतरिक्ष यान से कराने का फैसला लिया गया है, जो कि फरवरी 2025 में दोनों फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लेकर आएगा। इस बीच सुनीता और विल्मोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरती वासियों तक अपनी सूचना पहुंचाई है। दोनों ने खुशी के साथ साथ दुख भी जताया है और इस बात पर हैरानी भी प्रकट की है कि उन्हें तकरीबन एक साल स्पेस पर रहना होगा। दोनों ने धरती वासियों को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है, हमें अनजान लोगों से भी प्यार मिल रहा है, सभी हमारे कुशलता की कामना कर रहे हैं, ये सौभाग्यपूर्ण है, हम धरती पर लौट कर यह मिस करेंगे। सुनीता और विल्मोर ने अपने अपने घरों की भी बात की है और बताया है कि उन्हें अपने घर की याद आ रही है। सुनीता विलियम्स ने कहा, यह मेरी खुशी की जगह है, मैं यहाँ खुश तो हूँ पर अपनी माँ को मिस कर रही हूँ। मुझे यहाँ अंतरिक्ष में रहना बहुत पसंद है मगर घर की भी याद आ रही। सुनीता ने बताया कि वो अपने माँ के साथ कीमती समय बिताने के अवसर को खोने के कारण कुछ समय के लिए परेशान हो गई थी। आगे सुनीता कहती है, हमें घर लौटने में देरी हो रही है मगर इस पेशे में चीजें ऐसी ही चलती है। वही विल्मोर भी अपने घर को याद कर थोड़ा दुखी होते नजर आए। विल्मोर ने निराशा जताते हुए कहा, वो अपनी सबसे छोटी बेटी के हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के लिए मौजूद नहीं होंगे। विल्मोर ने पृथ्वी से 260 मील यानी 420 किलोमीटर की ऊंचाई से कहा, अंतरिक्ष यान के पायलट के रूप में पूरे रास्ते में कुछ कठिन वक्त था मगर यहां पहुंचकर उन्हें खुशी महसूस हुई। हालांकि स्टार लाइनर के पहले टेस्ट पायलट के तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वहां करीब एक साल तक रहेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसे समस्याएं हो सकती है जिसकी वजह से उनकी वापसी में देरी हो सकती है। बता दें, सुनीता और विल्मोर ने वोट देने की इच्छा जताई है। दोनों ने शुक्रवार को अनुपस्थित मतपत्र का अनुरोध किया ताकि वे ऑर्बिट से नवंबर में होने वाले चुनाव में मतदान कर सकें। अमेरिका में चुनाव होने वाला है जिसमें दोनों वोटिंग करना चाहते हैं। दोनों ने अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया है।